हेलो, वेलकम यू ऑल। आज है 29 मई और आप सभी के लाया फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट लाइफ साइंस के बारे में। तो इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं, तो आपको ले चलता हूं मैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स पे। तो आपके सामने आ चुके हैं इसके रिजल्ट्स। जो भी मैं वैल्यूज़ बताऊंगा वो इन टर्म्स ऑफ लैक्स होगी, और वहीं यहां पे मिलेंगे हमारे को क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस, और इस साइड के ब्रैकेट्स में मिलेंगे हमारे को ईयर ऑन ईयर में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले स्टैंड ऑन अलोन के हम रिजल्ट्स देख ले। तो सबसे पहले हमारे रहेंगे टोटल रेवेन्यूज़। तो टोटल रेवेन्यूज़ की अगर बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में हमारे को ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ 80,118 लाख रुपीज़ की इनकी टोटल रेवेन्यूज़ रहे थे, वहीं इस क्वार्टर में लगभग 79,136 लाख रुपीज़ के हमारे को रेवेन्यूज़ देखने को मिले। अगर वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम बात करें तो ये 3,43,861 लाख रुपीज़ से घट के हुआ है 3,30,990 लाख रुपीज़। तो हमारे को अगर टोटल रेवेन्यूज़ की बात करें, चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात, हमारे को ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रहा है, मेजर डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं। और वहीं अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी आपको इंक्रीज़ होते दिखेंगे, क्योंकि इनकी अदर इनकम इस क्वार्टर में हमारे को इंक्रीज़ होते दिख ली है एज़ कंपैरिजन टू पिछले क्वार्टर दिसंबर 2019 से। तो इस बारी अगर टोटल इनकम की बात करें तो 87,405 लाख रुपीज़ है, वहीं अगर इस दिसंबर की बात करें तो 80,670 रुपीज़ है। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम चेंजेस देखें तो 3,51,661 2019 के मार्च में थी, और वहीं इस बारी 3,31,313 फॉर द ईयर रही। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को टोटल इनकम हमारे को ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रही है, मेजर 2% का हमारे को फ़र्क दिख रहा है। और वहीं अगर हम बात करें टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में हमारे को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिख रही है, जहां अदर इनकम हमारे को ज़्यादा होते हुए दिखी, जिसकी वजह से इनकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आई फॉर द दिस क्वार्टर, जो कि अच्छी बात है। और वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस एक्सपेंसेस में हमारे को क्या देखने को मिला, जहां हमारे पास लगभग 77,004 लाख रुपीज़ हमारे को दिसंबर में देखने को मिली थी, वहीं इस बारी हमारे को एक्सपेंसेस भी कम होते हुए दिखे, जो अच्छी बात है, 76,639 है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक्सपेंसेस की बात करें तो इस साल 2020 में हमारे को एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट्स की, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिनली आपको इंक्रीज़ होते नज़र आएंगे ऑलमोस्ट 3 टाइम, जहां इनके नेट प्रॉफिट दिसंबर 2019 में सिर्फ मात्र 3,463 थे, वहां इस बारी लगभग 11,118 लाख रुपीज़ के रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे को देखने को मिल रहा है इनके दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ऑलमोस्ट हमारे को डबल होता हुआ दिख रहा है, जहां 14,763 लाख रुपीज़ हमारे को प्रॉफिट होते दिखे थे 2019 के मार्च में, वहीं इस बारी अगर मार्च 2020 की बात करें तो ये लगभग 32,114 लाख रुपीज़ हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स हमारे को ईयर ऑन ईयर बेसिस डबल होते हुए नज़र आया, बल्कि डबल से भी ज़्यादा नज़र होते हुए आया। वहीं क्वार्टर टू क्वार्टर में भी हमारे को ये ऑलमोस्ट 3 टाइम हमारे को इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं इनके नेट प्रॉफिट्स में। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिले हैं। और वहीं अगर कंसोलिडेट रिजल्ट्स की बात करें हम, तो कंसोलिडेटर में भी आप देखोगे टोटल रेवेन्यूज़ हमारे को ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है 23,000 23,000। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करोगे तो 9,11,000 और 9,15,000 के ऑलमोस्ट इक्वल ही दिख रहा है। और यहाँ भी हमारे को जो अदर इनकम्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अच्छी खासी इंक्रीज़ होते नज़र आए, जिसके कारण हमारे टोटल इनकम हमारे को क्वार्टर टू क्वार्टर बेस भी इंक्रीज नज़र होते आई, और वहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस भी हमारे को नज़र होती आई, जहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस में 9,14,000 से 9,20,000 रुपये हो गई है। और वहीं अगर यहाँ पे बात करें तो कंसोलिडेटेड में टोटल इनकम लगभग
243,000 रही है और यहाँ पे 232,000 रही है। तो टोटल इनकम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में अच्छी तरीके से इंक्रीज़ होते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी। वहीं अगर अब बात करें हम टोटल एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस हमार को जहाँ प्रॉफिट इनकम इंक्रीज़ होते हैं वहाँ एक्सपेंसेस भी हमार को इनके बढ़ते हुए नज़र आए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में इंक्रीज़ है। तो नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करें इस बारी की, तो यहाँ पर आपको लगभग दिखेगा, तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट्स नहीं दिख रहा होगा, नेट प्रॉफिट्स वर्सेस लॉस दिख रहा होगा, तो इन ब्रैकेट, क्योंकि पिछली बारी ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी लॉस में थी और इस बारी प्रॉफिट लगभग ऑलमोस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा रहा है, लॉस रिकवर्स किए हैं और प्रॉफिट लगभग 89,824 लाख रुपीज़ का हमारे को देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जहाँ कंपनी लॉस में हुआ करती थी 50,701 लाख रुपीज़ में। और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में बात करें, तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में लॉस में नहीं थी कंपनी, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट में थी, जहाँ कंसोलिडेट प्रॉफिट में ये भी ऑलमोस्ट इंक्रीज होके आ रहे हैं लगभग 20,000 से 26,000 लाख रुपीज़ के लिए। तो काफ़ी पॉजिटिव रहे रिजल्ट्स रहे हैं इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जहां कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स में कंपनी लॉसेस में रहती थी वहां इस साल प्रॉफिट्स इंक्रीज में आए, वो भी विद हाई मार्जिन्स के साथ, इनके मार्जिन द्वारा भी काफ़ी हमारे को इंक्रीज़ होते हुए दिखे, तो रिजल्ट्स वो पॉजिटिव रहे। वहीं अगर शेयर होल्डिंग देखो, तो शेयर होल्डिंग में FIIs कहीं ना कहीं इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है, मात्र म्यूचुअल फंड ने ही अपनी थोड़ी होल्डिंग्स कम की है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी कभी काफ़ी बड़े बड़े नाम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इस शेयर के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने रिसेंटली में ही इसमें माल उठाया है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आगे भी आने वाले क्वार्टर में हमारे को इंक्रीज होते हुए दिखेगी होल्डिंग। वहीं अदर DIs भी इसमें लगातार माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव। FIIs इसके साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल के बड़े नाम जैसे राकेश झुंझुनवाला जी भी मेरे ख्याल से इस शेयर में इन्वेस्टेड है, वहीं DIs भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो ये जैसे इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं वैसे वैसे इसका परफॉर्मेंस भी हमारे को अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। पिछले अगर एक मंथ में बात करें, सेंसेक्स लगभग डाउन दिखा, फिर भी ये लगभग 8.58% इंक्रीज होते हुए दिखा। और अगर वनडे के चार्ट में देखें, तो हमारे को इस साल लगभग 23 जैन को लगभग 8644 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, उसके बाद इसने काफ़ी डाउन मारा, लगभग 250 के नीचे ये चला गया, तो उसके बाद डिसेंट रिकवरी हमारे को इस शेयर में देखने को मिल रही है, एक अच्छा खासा ट्रेंड हमारे को इसमें देखने को मिल रही है। और वहीं 50, 20 एंड 100 EMAs के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और अपने जो इसके 200 का EMAs है 475 अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट्स इसके जितने बेहतरीन आए, तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर एक बार जंप मारेगा। पर पता क्या होता है, आपको एक साथ बात रखना चाहूँगा, कई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं पैनिक हो जाता है जब कभी भी कोई शेयर ऐसा चढ़ रहा हो, आप इसको टॉप पे लो लो और उसके बाद वो नीचे मार जाए, तो ये होता है कभी, आप ऐसे मशहूर हो गया कि आपने यहाँ पे लिया तो ऐसे ही चढ़ेगा। यहाँ देखिए कैसी इसने सीढ़ियाँ बनाई हैं, तो जब भी शेयर चढ़ता है ना तो ऐसे चढ़ता ही हो, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे चढ़ता। आप क्या सोचते हो, आप यहाँ टॉप पे ले लेते हो कई बार, और अब लगता है भैया ये गिर रहा है मैं इससे एग्जिट कर, तो कुछ टाइम देना चाहिए शेयर्स को, डेफिनेटली हमारे को स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए, पर आप हमेशा ये गलती नहीं करना कि आप स्टॉक को हाई प्राइजेस पे ले लो। तो इस शेयर की भी हम बात करेंगे, हमारे को ये रिजल्ट्स तो अच्छा है, अब किस प्राइजेस पे हमारे को इसको लेना चाहिए। वहीं बॉलिंजर बैंड में देखोगे, तो अपने मिडल बैंड के ऊपर ये अभी भी ट्रेड कर रहा है, जो 423 पे इस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे को देखने को मिल रहा है, तो अभी भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, लगभग 488 हमारे को ईजिली टारगेट्स ये दे सकता है। वैसे तो जैसे रिजल्ट्स रहे इससे काफ़ी अच्छे जाएंगे। वहीं अगर 3R में हम इसमें वॉल्यूम और RSI की एक स्ट्रेटेजी लगाई, जो मैं आपके साथ टाटा मोटर शेयर के साथ डिस्कस कर चुका हूं, जब वो 78 रुपीज़ पे था और 92 एक दो दिन में गया था, तो वो भी हमने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई की थी। आपको अगर याद होगा, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा, तो आप वीडियो को, इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो इसमें होता गया, एक तो ये 50 डेज़ का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको एज ए सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहा है। वहीं अगर RSI को देखो, तो RSI में क्या होता था, ये 80 एक बारी टच करके आया था, मतलब ओवरसोल्ड बॉट सॉरी, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद लगातार अब कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है 55 to 45 के बीच। तो जब भी कोई शेयर 80 टच मारता है और उसके बाद कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आता है, और अगर उसके हम पास्ट वॉल्यूम्स को चेक करें, तो वॉल्यूम्स में हमने क्या देखा,
वॉल्यूम में हमने क्या देखा, इसमें जो भी अबव दी एवरेज वॉल्यूम्स अगर आप काउंट करोगे ना पिछले मतलब कि मई मंथ से लेकर अभी तक के लिए, आपको उस ग्रीन कैंडल्स जो स्टिक्स दिख रही है ये वॉल्यूम्स की जो स्टिक्स है अबव दी एवरेज वाली मैक्सिमम आपको ग्रीन में ही दिखेगी अगर आप इसको काउंट करोगे। और वहीं अगर रिसेंट डेज की बात करें तो रिसेंट डेज में दो कैंडल बनी है और सेम लेवल्स पर बनी है और दोनों का अबव दी एवरेज है और लास्ट कैंडल आज की भी हमारे को इसमें ग्रीन बनते दिखे जो ऑलमोस्ट एवरेजिंग को टच कर रही है, जो साफ इंडिकेट कर रहा है बॉलिंजर बैंड इंडिकेट कर रहा है। और वहीं बहुत सारी ईएमआईज इसको सपोर्ट दे रहे हैं, वॉल्यूम इसको सपोर्ट दे रहा है, आरएसआई इसको सपोर्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे ऊपर जाने की इसकी पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें काफ़ी तेज़ी रहने वाली है, जो इसका 497 का लेटेस्ट हाई था ये इसको भी क्रॉस करके हमारे को फर्दर मूवमेंट हमारे को इसमें देखने को मिल सकती है। वहीं वनडे में अगर इसका पावर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको 495 के लेवल्स को क्रॉस करना है तो इसको रेजिस्टेंट 478 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर ये इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो इसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे को टारगेट्स इसके 566 से उसके बाद लगभग 747 के लिए हम इसको एज ए टारगेट लेंगे। अब आपको इसको कब लेना है, सबसे पहली बात मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इसी यही इसकी फेयर वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर हम आरएसआई की अगर एक स्ट्रेटजी देखें, मैं आरएसआई की भी एक स्ट्रेटजी देखता हूं जिसके साथ मैं इसमें ग्राफ्स लगाता हूं, तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे वनडे के चार्ट में जब ये इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हमारे को इसमें काफ़ी बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है। आप रिसेंट में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारे को देखने को मिला, तो पॉसिबिलिटी अभी भी इस ग्राफ से नज़र आ रही है कि यहाँ से ये जब ये ऊपर क्रॉस कर देगा और एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मतलब कि ये अप में खुल जाए, बस गैप अप ओपनिंग हो जाए इसमें थोड़ी, और गैप अप ओपनिंग के बाद ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसकी ग्रीन में रह जाए, एक ग्रीन कैंडल बना ले, और जैसे ही उस 15 मिनट का ब्रेकआउट होगा हम इसमें पोजिशन ले लेंगे और पोजिशन लेने के बाद इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें आप पैसा निकाल सकते हो, डेफिनेटली कॉल है फ्रॉम द माय साइड, पर आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे डेफिनेटली शेयर को आप एक अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हो। वहीं अगर आज देखेंगे इसमें डिलीवरीज तो लगभग 58% से ज़्यादा की डिलीवरीज होते हुए दिखे हैं, रिजल्ट्स आए हैं इसके मार्केट आवर के बाद, तो कहीं ना कहीं सबको पता था कि इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं और इसकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा डिलीवरीज उठाई गई है, और ये पूरा साबित करता है कि इसमें हमारे को डेफिनेटली तेज़ी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आज बात करें तो लगभग 10.85 पॉइंट्स ये अपसाइड हमारे को देखने को मिला है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप रखिए, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो अच्छी ज़्यादा बात है। शॉर्ट टर्म के लिए आप रख सकते हो 423 एज ए स्टॉप लॉस, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप तब भी इसमें लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो आपके ये तीनों EMAs है, अगर ये बिल्कुल ही इसको नीचे क्रॉस करके आ जाए तो आप इसमें सोच सकते हो कि मैं इसमें एज ए स्टॉप लॉस लगा लूं और छोटे नुकसान में निकल जाऊं, पर जैसे रिजल्ट्स आए हैं, इंडिकेटर्स जैसे दिखा रहे हैं, हर स्ट्रेटेजी इसमें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है, जो मुझे लगता है इसके अब भी डाउनफॉल के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, ये हाई पे हाई बनाता गया और अपने लगभग 600 के लेवल के पास पहुँच गया या 644 के आसपास पहुँच गया जो इसका रिसेंट हाई था, फिर हमारे को इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, स्टॉक ऐसे करके चढ़ता है, कभी ऐसे करके नहीं चढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि देखो कुछ होते हैं ट्रेडर्स जो 10 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कुछ होते 20 पे कर लेते हैं, कईयों का टारगेट 30 होता है, कईयों का टारगेट 50 होता है, सबके अपने अपने लेवल्स होते हैं। पर आप ऐसे ट्रेडर बिल्कुल ना बनिएगा जिनका कोई टारगेट नहीं हो कि आप ये सोचो जब तक चढ़ रहा है चढ़ने तो जिस दिन गिरेगा उस दिन ले लूँगा, देख लूँगा इसमें तब स्टॉप लॉस लगा लूँगा या स्टॉप लॉस शिफ्ट करता जाऊँगा। पर आपके पास हमेशा पहले से ही टारगेट्स होने चाहिए, आपको हमेशा लेवल्स देखने चाहिए। तो फर्स्ट लेवल मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा अगर आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं तो 580 और 600 के बीच में हम इसको एज ए बुक डेफिनेटली कर देंगे फॉर एज ए सेफ ट्रेडर्स जो इसमें पहले से बने हुए हैं या फिर इसमें अब पोजीशन लेने वाले हैं। तो पोजीशन लेने वालों के लिए मैं बता चुका हूं कि आपको इसमें क्या करना है, उसी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट आपको अभी इस शेयर में एंट्री ले लेनी है। 15 मिनट का देखना है कि 15 मिनट में ग्रीन कैंडल रहती है और उसका ब्रेकआउट होता है तो उसमें आप डेफिनेटली एंट्री इस शेयर में ले सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो लगा हुआ इंफॉर्मेटिव तो प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए एवं वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।